हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। बात कर रहे हैं इंडियन कोस्ट गार्ड 10+2 के लिए जिन कैंडिडेट ने अप्लाई किया हुआ था फॉर्म, उन सभी के लिए एक बहुत ही बड़ी गुड न्यूज़ है कि उनके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। बहुत दिनों से आप लोग परेशान थे, मेरे को मैसेजेस वगैरह आ रहे थे वीडियो पे मेरी, तो वो लोग बोल रहे थे कि सर एडमिट कार्ड नहीं आ रहे हैं, कुछ लोगों के एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाउनलोड हो रहे थे। वो सारे सुविधा जो भी समस्या है उन सभी का मैं सुझाव देने वाला हूँ कैसे आप डाउनलोड करेंगे। चलिए, एडमिट कार्ड आपको कैसे डाउनलोड करना है पहले ये देख लीजिए। ये आप देख रहे हैं कि ऑफिशियल रिक्रूटमेंट वेबसाइट है इंडियन कोस्ट गार्ड नेवी की, ठीक है। चलिए, यहाँ पर जब आप आएंगे तो यहाँ साफ साफ आपको ये नोटिस बोर्ड में यहाँ पर शो कर रहा है कि आपका जो भी न्यूज़ होगी वो यहाँ पर शो करेगी। तो यहाँ पर दिखाने वाला है अभी कि आपका जो एडमिट कार्ड है वो कब से कब तक डाउनलोड होगा, अब कब से कब तक आप डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप हमसे नहीं जुड़े हैं तो नीचे रेड कलर की सब्सक्राइब की बटन आपको दिख रही होगी, वो दबा करके हमसे जुड़ जाएं और बेल आइकन को दबा लें, क्योंकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन सिर्फ इसी चैनल पे समय से मिलती है। इसलिए बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी मत भूलें। बेल आइकन को अगर दबाते हैं तो आपको टाइमली सभी नोटिफिकेशन समय से मिल पाएंगी दोस्तों, ठीक है। ये आप खुद जानते हैं, जो हमसे जुड़े हुए हैं वो खुद जानते हैं कि टाइमली नोटिफिकेशन हर समस्या का सुझाव मिल जाता है। चलिए, अब ये यहाँ से आपको ये जो नोटिफिकेशन आ रहा है, लिंक फॉर प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड फॉर नाविक जीटी, ठीक है ना, 01/2019 बैच अवेलेबल फ्रॉम 1-2। चलिए, यहाँ से आप जब क्लिक करेंगे देन आपको यहाँ पर शो करेगा रजिस्ट्रेशन नंबर या ईमेल एड्रेस। यानी ईमेल आईडी अगर आपको पता है तो भी आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर पाएंगे, और रजिस्ट्रेशन आईडी होता है, रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, तो यहाँ से आप अपना ई एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकते हैं। साफ साफ यहाँ दिया हुआ है नाविक जीडी ड्यूटी 01/2019 बैच, ठीक है। यहाँ पर लिंक फॉर प्रिंटिंग ई एडमिट कार्ड इज अवेलेबल फ्रॉम 1-10 अगस्त 2018 टिल 17 अगस्त। अगर आप डाउनलोड करना चाहते हैं तो 1-10 अगस्त तक अपना एडमिट कार्ड देख करके डाउनलोड कर लें, 10 अगस्त के बाद अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड नहीं कर पाएंगे, ठीक है। चलिए, इसमें बाकी आपको कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कोई भी समस्या है, कोई भी क्वेरी है तो आप मुझे पूछ सकते हैं। एक चीज़ का ध्यान दें यहाँ पर कि अगर आप अपना ईमेल एड्रेस यहाँ पर डालते हैं तो एडमिट कार्ड के लिए भी ऑप्शन आएगा वहाँ से ई एडमिट कार्ड डाउनलोड करने का, और जिन लोगों ने अपना एप्लीकेशन फॉर्म नहीं डाउनलोड किया है या डाउनलोड नहीं हो पाया किसी भी बाय डिफ़ॉल्ट कोई भी समस्या हो गई, ठीक है, तो उसको भी डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है, क्योंकि वो भी आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा। तो वहाँ से आपको ऑप्शन शो करेगा, आप अपना ईमेल के थ्रू अपना जो भी है अपना ईमेल आपको पता है, ईमेल रजिस्ट्रेशन नंबर पता है, जो भी पता है उसको फिलअप करके आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करिएगा। एप्लीकेशन फॉर्म जो लोग नहीं डाउनलोड कर पाए वो लोग डाउनलोड कर लीजिएगा, ठीक है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। जिन लोगों ने नाविक जीडी का फॉर्म अप्लाई किया है तो सभी को शेयर कर दीजिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करके जरूर जाइएगा। बेस्ट ऑफ लक सभी को, बाय बाय, टेक केयर।